देश भर में केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के विलय का सिलसिला जारी है। कई बैंक कर्मचारियों ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध किया है। चंडीगढ़ स्थित सरकारी बैंकों के विलय के निर्णय के विरोध में क्षेत्रीय कार्यालय बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 17 के सामने संयुक्त प्रदर्शन किया गया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से नौकरियां तो कम होगी ही बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। साथ ही कर्मचारियों का यह भी कहना है कि इस कदम से बैंकों का कामकाज 2 साल तक प्रभावित रहेगा। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी है सारे बैंकर्स की, एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स की, जिसमें पूरे भारतवर्ष में 10 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं, उसका चंडीगढ़ का ट्राई सिटी का कन्वीनर हूँ। आज का ये जो धरना प्रदर्शन डेमोंस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट ने मर्जर अनाउंस किया है 10 बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो पहले भी मर्जर्स की गई हैं उससे बहुत सारी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारी बैंक की ब्रांचेस बंद हो गई हैं। यहां मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब 1970 के दशक में जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, तो उसका मंतव सिर्फ एक था कि उस वक्त की सरकार ये कहती थी कि हम क्लास बैंकिंग से इसको मास बैंकिंग बनाना चाहते हैं। ये बैंकिंग की जो सुविधा है ये आम जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आज जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हर गली मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे देश में अनबैंक्ड एरियाज हैं, वहां पे और बहुत सारी ब्रांचेज हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की खुलनी चाहिए ताकि लोग अनबैंक्ड ना रहें। लेकिन सरकार इनको मर्ज कर रही है। मर्ज करने के पीछे उनका मंतव सिर्फ इन बैंकों को ख़त्म करना है, बिग कॉरपोरेट्स को फ़ायदा देना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ उनका ये कदम है। हम बार बार से ये कहते आए हैं, जब 1970 के बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, उसके बाद में जब इसकी समीक्षा की गई थी, तब पॉलिटिशियंस ने ये कहा था कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं ये मॉडर्न इंडिया के पिलर्स हैं। आज जब ये मॉडर्न इंडिया के पिलर्स इतनी सेवा कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन पीरियड पब्लिक सेक्टर बैंक्स का क्या रोल रहा है, कैसे हमें करेंसी नहीं दी गई, कैसे हमने पब्लिक की सेवा की, लेकिन उसके बाद में भी गवर्नमेंट कुछ चंद घरानों के एनपीएस को ख़त्म करने के लिए, बचाने के लिए, छुपाने के लिए ये मर्जर का मूव लेके आई है, जिसे हम टूथ एंड नेल अपोज कर रहे हैं। ये आज की इस मर्जर की कड़ी में आज पहला डेमोंस्ट्रेशन है। इसके बाद में हमारी हायर लीडरशिप जैसे भी डिसाइड करेगी, वो जो भी कॉल देंगे उसके हिसाब से हम वो लागू करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।